ठीक हो गया। I love you. मैं बहुत खुश हूँ यारो, बहुत खुश हूँ आज कि तू वापस आ गया। यारो गया ही कहाँ पे था दादी कू? जब भी आप बुलाओगे यारो आ जाएगा एकदम से सुप करके। यारो ये इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल हुई कैसे? पापा ने मेरा ऑपरेशन किया, उसके बाद मेरा पूरा सिस्टम पापा ने अपडेट किया, और तो और दादी कूल पापा ने मेरी पुरानी वाली मेमोरी चिप भी रीइंस्टॉल कर दी। थैंक यू गणपति जी, आपकी वजह से मेरी मुराद पूरी होगी। यारो सब गणपति जी की वजह से हुआ। हेलो गणपति जी, थैंक यू। हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। प्रणाम गणपति जी। चलिए दादी कूल अब जल्दी से घर पे चलते हैं। पापा मम्मी सबको बिना बताए यारो अपनी दादी कूल के पास आया है, वो लोग चिंता कर रहे होंगे। चलिए चलते हैं। यारो तू घर जा, हमारा सीक्रेट अभी भी सीक्रेट ही है। दादी कूल धीरे बोलिए, गणपति पापा सुन लेंगे, उनके बहुत बड़े बड़े कान हैं। अच्छा देख, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे पता चल चुका है कि तू सुपर हीरो है। मैं घर पहुंचू ना तो तू जल्दी से मुझे मिलने के लिए आ जाना, मुझे बहुत जरूरी काम है तुमसे। ओके दादी कूल। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, यारो तुम हो कि बिल्कुल ठीक हो गया? हाँ मम्मी, यारो एकदम फिट हो गया। सुना आपने? सुना? इसने कह के कि मुझे मम्मी कहा, इसका मतलब मेरे यारो की यादाश्त पूरी तरह से वापस आ चुकी है। यारो यारो मेरा यारो बिल्कुल ठीक हो गया। एक बात बता कि तू ठीक हुआ कैसे? पापा जब आप मेरा सिस्टम अपडेट कर रहे थे तो मेरा हार्ट ऑटो रिपेयर मोड पे चला गया और मैं ठीक हो गया। और तू ये दरवाजा तोड़कर क्यों गया था? पापा फिर से न्यू लाइफ मिलने के एक्साइटमेंट में मुझसे रुका नहीं गया और मैं एकदम से आ गया। अरे लेकिन गया कहाँ था, क्योंकि तेरी याद में रो रो कर हमारा यहाँ बुरा हाल हो गया था, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। मैं अपनी पावर्स को चेक करने गया था। यारो प्लीज प्रॉमिस कर कि आज के बाद तू कर करके ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। ओके मम्मी। आइए भाई, आप लोग आइए। चतुर्वेदी जी, आपने तो कहा था यारो चला गया, ये कौन है? ये तो तंदुरुस्त खड़ा हुआ है, तो बेफजूल में जो ना इमोशनल हो रहे थे। अग्रवाल साहब, अरे आपका जो यारो है बड़ा अजीब प्राणी है, अरे कभी तो ये सिधार जाता है और कभी ये गायब हो जाता है और कभी ना बिजली का खंभा पकड़ के लटक जाता है, एकदम ठो हो जाता है। ये खंभा नहीं, ट्रांसफॉर्मर। अरे वही देखा देखा कैसे भला चंगा खड़ा है, ऐसा लगता जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। चतुर्वेदी जी। भाभी जी, लगता है आप देख देख के फिल्में नहीं देखते। पता है फिल्मों में कभी कभी जब डॉक्टर ऐसा कहता है सॉरी ही इज गॉन, तो वही इंसान वापस खड़ा हो जाता है बनके डॉन। जिसे 11 मिल्कों की पुलिस ढूंढ रही वो वाला डॉन बिना जी? हाँ हाँ बिल्कुल वही वाला डॉन। चुप कर भाभी जी,
लेकिन यहाँ पे कुछ रहस्यमय घटना घटित हुई है एकदम ठोवाल। चतुर्वेदी जी, आप ना सोच सोच के बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ठीक है भाभी जी, भाई हम ज्यादा सोच रहे हैं, आप कहें और हम न माने, ऐसा कभी हुआ है? नहीं ना। चलो मान लेते हैं भाई कि हम ज्यादा सोचते हैं। भाई भाई और बहनों, आप लोग यहाँ पर आए हमारे घर में यारों का हाल चाल पूछने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यारों बिल्कुल ठीक है, आप लोग अपने अपने घर जाइए, आराम कीजिए और यारों भी आराम करेगा। चलो भाई चलो, सब लोग चलो, हैं चलो, बाय बाय। ए डल्ली चलना, मैं आती हूँ ना, चलना। अच्छा चलो, हम भी चलो, हम भी चलो, बाय बाय यार। दिन भर निहारती रहो, ऑफिसर का कॉल आया तो देखा यारो। यारो, हे भगवान, ये लड़का फिर से कहाँ चला गया? अग्रवाल साहब, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, अगर इसकी यही हरकतें रही तो फिर। अरे बीना जी, अपनी दादी कूल से मिलने गया होगा, और कहाँ जाएगा। अच्छा, दादी कौन? कभी आप राइट जाती हैं, कभी आप लेफ्ट जाती हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको जाना कहाँ है। एक बार आप स्ट्रेट भी ट्राई कर सकती हैं। अरे यारो, मुझे कहीं नहीं जाना, इस तरह लेफ्ट राइट जाने से ना मेरी सोच को ना हेल्प मिलती है। ओके, हेल्प। अरे अब तुम क्या कर रहे हो? आपकी हेल्प कर रहा हूँ सोचने में। मगर तुम्हें पता है कि मैं क्या सोच रही हूँ? ये तो यारो को नहीं पता और ना ही यारो जानना चाहता है। यारो जब किसी की हेल्प करने पे आता है तो पूरे दिल से सिर्फ हेल्प करता है। अरे मेरे सुपर हीरो, मैं ये सोच रही हूँ कि तुम्हारी सुपर हीरो की ट्रेनिंग तो कंप्लीट हो गई है, अब बाहर जाके बदमाशों से मुकाबला करने से पहले तुम्हें सुपर हीरो की ना कॉस्ट्यूम पहननी पड़ेगी। अगर यारो सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम पहनेगा तो फिर सुपर हीरो क्या पहनेगा? शेम शेम। ये तुम मुझ पर छोड़ दे, मेरा कहने का मतलब ये है कि तेरे लिए ना सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम बनवानी पड़ेगी। ले यारो ये मास्क पहन ले। अरे वाह यारो, ये मास्क तो तुझ पर बिल्कुल फिट हो रहा है। अब दुनिया वाले तो छोड़, तू खुद भी अपने आप को नहीं पहचान पाएगा। हाँ, ऐसा लग रहा है। ये दुश्मनों से क्या लड़ाई करेगा, किसे तो दिखाई नहीं दे रहा। आपने बिल्कुल सही कहा था, यारो इसमें अपने आप को भी नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि यारो अगर कुछ देख पाएगा तब तो किसी को पहचान पाएगा। हाँ यारो, ये मास्क उतार दे, वैसे भी तेरी वनीला आइसक्रीम जैसी शक्ल जितनी कम छुपे ना उतना अच्छा है। अब आइडिया नंबर टू करते हैं। वाह दादी, दादी कौन? दादी, कैंसल। यो मैन, अब हुआ ना चांस के टुकड़े टाइप हीरो रेडी। लेकिन दादी, आपने यारो के पीछे ये तौलिया क्यों लटका दिया? यारो का ना तो पसीना बहता है और ना ही नोजी। अरे यारो, ये तौलिया नहीं है पसीना पोंछने के लिए। तो फिर ये घाघरा क्या है दादी? ये क्या है, ये तो मुझे भी नहीं पता यारो। खैर छोड़, ये जो है ना सुपर हीरो का ना क्लासिक ड्रेस है। हाँ, अब जा दुनिया को दिखा दे कि यारो क्या कर सकता है। बचाओ, प्लीज हेल्प मी, बचाओ मुझे। दादी कूल, यारो को अपने मिशन का पहला टारगेट मिल गया। गुड, किसी को यारो की हेल्प की जरूरत है। आशीर्वाद दीजिए विजय भवन। अरे वाह, गया मेरा सुपर हीरो। अब कल के सारे चैनल्स पे न्यूज होगी, सुपर हीरो ने ये किया, सुपर हीरो ने वो किया, या ने कुछ नहीं किया। हा?
ओए तू इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? दादी कूल, यारों का एक घाघरा दरवाजे के बीच में अटक गया। जब घाघरा अटक गया तो यारों भी अटक गया। मानिए दादी कूल, कभी आसमान में यो मैन उड़ रहा है, उड़ रहा है, उड़ते उड़ते बिजली के खंभे में उसका ये घाघरा अटक गया, तो बस सारा प्रोग्राम फ्लॉप हो गया। तो क्या होगा? मान लीजिए कभी आसमान में उड़ रहा हूँ अरे उड़ते 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 और ज्यादा हाइट पे चला गया हूँ, और वहां पर एरोप्लेन में उसका ये घाघरा अटक गया, तो फिर से प्रोग्राम फ्लॉप हो गया। और फिर जब नीचे जमीन पे आया दौड़ रहा हूँ और दौड़ते मान लीजिए कि घाघरा डॉगी के मुंह में आ गया, तो यारो अपना घाघरा संभालेगा कि डॉगी को करेगा, पता ये क्या करे? यारो तू सही कह रहा है, ये कॉस्ट्यूम ना ठीक नहीं है। तू एक काम कर, तू थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले ना, हाँ मैं तब तक कुछ सोचती हूँ। हाँ अरे बहन जी, ये नेकलेस तो घणो सूट करियो है। थैंक यू भाई साहब, आप तो कह के कि कह रहे हैं कि घणो सूट कर रहे है, लेकिन एक बार पूछ के अपने हस्बैंड को भी तो पूछना पड़ेगा ना। घणो सूट कर रहे हो के? हाँ हाँ भाई, घणो सूट कर रहा है, मतलब अच्छा लग रहा आपके ऊपर। इसको बिना जी फाइनल कर देते, मैं पेमेंट कर दूं। अरे ऐसे कैसे पे कर दूं? रुकिए ना, जिंदगी में पहली बार तो आप लाला के हमें ज्वेलरी शॉप में लाए हैं नेकलेस लेने के लिए, इतनी जल्दी थोड़ी मानेंगे। हाँ जल्दी क्या, आप एक घंटा तो हुआ दुकान में आए हुए, ले लीजिए और मजे ले लीजिए दुकान के। भाई साहब इसके डायमंड्स ना हो के बहुत बड़े हैं, कुछ और दिखाइए ना। मैं दिखाता हूँ, एक मिनट, आप ये लीजिए ना, छोटे छोटे डायमंड्स। हाँ ये अच्छा लगेगा। देखा ना, मैंने बोला था ना आप घड़ो सूट कर रहे हो। कैसा लग रहा है? नहीं नहीं बड़ा अच्छा लग रहा है जी, ये तो बल्कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक काम करते हैं, इसी को फाइनल कर देते हैं, मैं पेमेंट कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, रुक के रुकिए ना। अच्छा है लेकिन इसके डायमंड्स बहुत छोटे हैं, कुछ और दिखाइए ना। एक मिनट बहन जी, आप ये वाला लीजिए, इसमें छोटू और मोटू डायमंड्स दोनों है। मिक्स। ये बहुत सुंदर है। देखा ना, मैंने आपको बोला ना ये नेकलेस आपको घणो सूट करियो है। कैसा लग रहा है? अरे वाह वाह बीरा जी, ये तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है आपके ऊपर, ये 2-in-1 नेकलेस तो कमाल लग रहा है। इसी को फाइनल करते हैं, ओके मैं पेमेंट कर देता हूँ। अरे रुक के रुकिए ना, मुझे लगता है यही सुंदर है। पर बहन जी ये तो बड़ो डायमंड्स छे। अरे भैया इतनी देर देखने के बाद एक नेकलेस पसंद आया इनको, अब इनको फाइनल करो ना, बड़ो है छोटो है क्या भाड़ में, फाइनल करो इसको। लाइए बहन जी, मैं पैक कर देता हूँ। ओके। वैसे मैं क्या कह रही थी अग्रवाल साहब, इतना महंगा है, एक बार सोच के और सोच ले क्या। अरे बहन जी सोचना क्या है, लीजिए। रुको, कोई भी जगह से हिलेगा नहीं, सबके सब हाथ ऊपर। हम लोग मस्करे हैं लेकिन मजाक नहीं कर रहे हैं। सेठ चाबी देगा या गोली लेगा? नहीं नहीं भाई साहब, गोली तो मारो को सूट ही नहीं करती है, मैं चाबी देता हूँ, एक मिनट। ए क्या छिपा रही है, बाहर निकल। ये वाला हार मत लेके जाओ भाई, बड़ी मुश्किल से फाइनल किया था। हाँ भाई साहब वो बड़ी मुश्किल से पसंद आई है, इन पे ना ये घणो सूट करियो है। ये बॉक्स मुझे दे दे। बार तो तुम बच गई लेकिन अगली बार मेरा निशाना नहीं चुकेगा। बॉक्स दो। आशा करते हैं इस खेल में आप लोगों को मजा आया होगा, असुविधा के लिए खेद है। तालियां प्लीज।
और चलिए अब नजर डालते हैं इस वक्त मिल रही बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि पूरे शहर में जोकर गैंग का खतरा मंडरा रहा है। पिछले हफ्ते में लगातार 3 लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद अब इस गैंग ने वरदान ज्वेलर्स को अपना निशाना बनाया है। वहाँ मौजूद हमारे संवाददाता ने बात की आई विटनेस से। हाँ, मैं तो डर डर के बहुत डर गई थी। उन गुंडों के पास बंदूकें भी थी, उन्होंने चला चला के गोली भी चलाई थी। वो तो मेरा गुड लक था कि गोली पास से करके चली गई। मैं तो बच गई, लेकिन मेरा हार वो गुंडे ले गए। देखा आप सबने कि ये मैडम को कितना ज्यादा सदमा पहुंचा है कि ये कर करके कैसे कैसे बातें कर रही है। एक मिनट, ये सदमे की वजह से नहीं है, मैं कर करके ऐसे ही बात करती हूँ। बर्बाद हो गया, मेरा सब लूट गया। लीना का नेकलेस चोरी हो गया, वेरी सैड। अरे वाह, ये तो गंदे से रैपर में अच्छी सी चॉकलेट है। यारों के घर में चोरी, सुपरमैन के फर्स्ट मिशन के लिए इससे अच्छा मिशन और क्या होगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस नेकलेस को पसंद करने में लगा लगा के मैंने 4 घंटे लगाए, उन गुंडों ने उसी नेकलेस को चुराने में 4 मिनट भी नहीं लगाए। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ऐसे मौकों पे पुलिस कहाँ होती है हमारी। हाँ, पकड़ पकड़ के पकड़ती क्यों नहीं उन गुंडों को, उस जोकर गैंग को पकड़ना होगा। एक मिनट, देखिए मैडम, आप पुलिस को दोष मत दीजिए। हमारे एक नए इंस्पेक्टर आए हैं, बड़े ही सूरमा है वो। नाम है उनका मान पराग भोपाली। बहुत घुस के इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो। लेकिन यहाँ के इंचार्ज तो इंस्पेक्टर दुबे जी थे ना। अरे दुबे जी एक स्पेशल ट्रेनिंग के लिए गए हैं, वो जागने वाली ट्रेनिंग के लिए। जब वो आएंगे तो तूफान मचा देंगे, और तब तक ये जोकर गैंग का बैंड इंस्पेक्टर भोपाली बजाएंगे। फिर क्या, हमारा भी ताप बढ़ गया। हमने आज देखा ना ताप, एक झटके से एक गुंडे को। तुम अपने आदमी हो, डरो मत। अरे हमारा नाम है मान पराग भोपाली। दीदी बात में डेटा लो। तो देखा आपने, गौर से देखे इस इंस्पेक्टर को, वहाँ पूरी की पूरी दुकान लुट गई और ये यहाँ चौपाल लगाकर गप्पे लड़ा रहे हैं। ए मैडम जी, ये क्या बात कर रही हैं आप है? हम यहाँ गप्पे लड़ा रहे हैं। इधर आओ मैडम जी को बताओ, हम यहाँ गप्पे लड़ा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, देखा, हम यहाँ गप्पे नहीं लड़ाते, हम यहाँ पर चक्रू बना रहे। चक्रू? व्हाट इज चक्रू? चक्रू नहीं, चक्र व्यू। अर्जुन अभिमन्यु, समझते ना। अरे मैडम जी, इन जोकरों को तो हम सुपारी समझ के चबा जाएंगे। अरे हमारा नाम है मान पराग भोपाली। देवी जी बात पे ताली। सॉरी। ये यारो कहाँ रह गया? क्या मिशन इसका इंतजार कर रहा, और ये गायब है लड़का। GPS पे ट्रैक करती हूँ मैं। ओए मेरे हार्ड वर्किंग आलसी, 26 किए तूने। 29 किए थे मैंने। 26 किए तूने? मैंने किए, मुझे पता है 29 किए थे। मैंने देखे हैं और मुझे गिनती भी आती है, 26 किए तूने। मुझे भी आती है, 29 किए थे। तुम लोग ऐसे लड़ोगे तो हमारी दोस्ती कैसे चल पाएगी? तो एक काम कर, आज शाम के सारे सैंडविचेस ना तू बना। हेलो, तुम लोग गलत कर रहे हो मेरे यारों के साथ। तेरे यारों के साथ? माय गॉड, क्या गलत कर रहे हो, मुझे एक बार बता। लो, यह मिशन इसका इंतजार कर रहा है और ये अपने दोस्तों के साथ गप्पे मार रहा है। यारो, दादी कॉलिंग। यारो जल्दी से वापस आ जा। दादी कूल, अब यारो नहीं आ सकता, अपने दोस्तों के साथ बिजी है। अरे यारो, यहाँ अर्जेंट काम है। कितना भी अर्जेंट हो, अभी तो नहीं आ सकता, सॉरी। अच्छी बात है, तो इस तरह नहीं मानेगा। यारो उस जोकर गैंग को पकड़ना चाहता है, मम्मी के नेकलेस को यारो वापस लेकर आएगा। मुझे पता था जोकर गैंग के बारे में जानकर तेरा खून गुस्से से खोल उठेगा। लेकिन दादी, यारो के अंदर खून नहीं है। यकीनन तुम्हारे अंदर खून नहीं है, लेकिन खून से भी बढ़कर बड़ी चीज है, तेरे अंदर अपने मम्मी पापा के लिए प्यार है। लेकिन बीना का नेकलेस यारो नहीं, यो मैन वापस लाएगा। मिशन जोकर रोबर्स होगा,
यो मैन का पहला मिशन। लेकिन दादी अभी तक यारो की सुपर हीरो वाली कॉस्ट्यूम रेडी भी नहीं हुई। अरे तुझे किसने कहा कि तुम्हारे सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम तैयार नहीं है? लेकिन यारो वो घाघरे वाली कॉस्ट्यूम नहीं पहनेगा। अरे मत पहनना। यारो वो ढीले ढाला वाला भी कॉस्ट्यूम नहीं पहनेगा। अच्छा बाबा नहीं पहनेगा। यारो वो वाला मास्क भी नहीं पहनेगा जिसपे कुछ भी नहीं दिखता। अरे नहीं पहनना बाबा। तो फिर यारो क्या पहनेगा? वो देख। दादी कूल, ये तो सिर्फ आंखों की कॉस्ट्यूम है, बॉडी का क्या करेंगे? इसको पहन के यारो बहुत कूल लगेगा, लेकिन गॉगल्स के पीछे यारो छुप नहीं सकता। कॉस्ट्यूम तो लेकर आना होगा, सबको पता चल जाएगा कि यारो ही यो मैन है, यो मैन ही यारो। रियली? तुझे ये गॉगल सिर्फ एक कूल गॉगल लगता है? एक मिनट बेटा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.